हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू आज आप सभी के लिए बहुत ही शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आ गया है। आज हम बात करने वाले हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे DRDO कहते हैं या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके द्वारा आप सभी के लिए ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए आपको कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन फी क्या है कैटेगरी वाइज, और फ्रेंड आपके लिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंड में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके एक कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और इसी तरह आपको लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इस समय हम DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, आप भी विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है drdo.gov.in। तो जैसे ही आप आएंगे इसके देखिए होम पेज पे ऐसा दिया हुआ है और देखिए इसमें जो मैसेज आया होगा, नई नई वैकेंसीज के जो एडवर्टाइजमेंट होंगे, जैसे कि DRDO रिक्रूटमेंट शिप टाइम नोटिस बोर्ड दिया हुआ है, अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जारी है। तो शिप टाइम के लिए लगभग 1061 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई थी, जिसकी लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2022 तक। तो और देखिए आज की जो वैकेंसी है उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं फ्रेंड। तो देखिए आज की जो वैकेंसी दी है, किस पोस्ट के लिए दिया हुआ है ये आपको जानकारी देते हैं। देखिए कम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट EST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की गई है। तो देखिए कम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश्ड CVRDE ये दिया हुआ अवार्डी चेन्नई इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग पास्ड ड्यूरिंग 2020-2021-2022 हेलिंग फ्रॉम तमिलनाडु फ्रॉम अंडर गोइंग वन ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 1973। तो देखिए फ्रेंड इसमें दिया हुआ है आपके लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर, जो भी ग्रेजुएट कर चुके हैं या डिप्लोमा है जिनके पास इंजीनियरिंग में, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वो भी पास्ड किए हों 2020-21-22 में, वही के लिए ये वैकेंसी है ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए। तो देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए है, फर्स्ट नंबर कैटेगरी वन देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए कंप्यूटर साइंस से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, तो उनके लिए जो है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 10 पोस्ट है और इसमें मंथली जो आपका स्टिपेंड है ये कितना दिया जाएगा देख लीजिए, 9000 रुपये दिया जाएगा और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है 1 ईयर की है। और देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका ग्रेजुएशन है, जैसे कि BTEC किए हुए हैं तो उनके लिए है, तो उनके लिए 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 8 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए इंजीनियरिंग से 8 पोस्ट है और लाइब्रेरी साइंस से आपको 2 पोस्ट है और देख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से 6 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कैटेगरी 1 ग्रेजुएट के लिए है, ये देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए दिया हुआ है, इसमें टोटल 40 पोस्ट दिया है 40, और इसमें देख सकते हैं मंथली दिया है 9000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और इसमें 1 ईयर का ड्यूरेशन दिया हुआ है ट्रेनिंग के लिए। सेकंड जो दिया है कैटेगरी सेकंड टेक्निकल के लिए है, टेक्निकल डिप्लोमा के लिए है, तो डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपका 3 ईयर का डिप्लोमा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इसमें टोटल जो वैकेंसीज है 4 पोस्ट है और इसमें आपको सैलरी जो दिया जाएगा टेक्निकल ये टेक्नीशियन ये डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8000 और जो दिया ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9000 यानी 9000-8000 रुपये सैलरी है दोनों पोस्ट में। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से आप सभी के लिए 4 पोस्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से 4 पोस्ट दिया हुआ है और देखिए वैकेंसी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 4 पोस्ट और लाइब्रेरी साइंस से 1 पोस्ट, ऑटोमोबाइल से 3 पोस्ट। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है किसके लिए, डिप्लोमा होल्डर के लिए 20 पोस्ट है। तो इस प्रकार
आप सभी के लिए ग्रेजुएट ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए टोटल 60 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। आगे देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी दिया हुआ है अ डिग्री इन इंजीनियरिंग आर टेक्नोलॉजी फुल टाइम ग्रांटेड बाय द स्टेचुटरी इन यूनिवर्सिटी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन से अ डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फुल टाइम ग्रांटेड इन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टू ग्रांट सच डिग्री बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन से एंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन फॉर प्रोफेशनल बॉडीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज इक्विवेलेंट अबव। देखिए इसमें कैटेगरी दिया हुआ है सेकंड टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए भी डिग्री दिया हुआ है या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आर टेक्नोलॉजी से फुल टाइम बाय द स्टेट आर काउंसिल आर बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो आपके पास आपके जिस ट्रायर से आप रिलेटेड है उससे आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा वो भी इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल से होना चाहिए यानी बैचलर इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। किसी भी स्टेट काउंसिल और स्टेट बोर्ड या किसी भी टेक्निकल एजुकेशन इस्टेब्लिश द्वारा होना चाहिए। तो एज लिमिट की बात करें तो देखिए एज लिमिट विल बी फॉलोड एज पर अप्रेंटिसशिप रूल। तो इसमें एज की आयु सीमा जो होगी आपकी अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। रिजर्वेशन में दे दिया है फ्रेंड अलग अलग कैटेगरी के लिए। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है अप्रेंटिस एज प्रिस्क्राइब इन क्लास फोर ऑफ अप्रेंटिसशिप रूल 1992 अमेंडमेंट देयर ऑफ इफ एनी। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग देखिए फ्रेंड इसमें 1 ईयर की आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए द ओवरऑल प्रोविजनल रैंक लिस्ट बेस्ड ऑन मार्क एंड कम्युनिटी विल बी शेयर्ड टू कंबैक्ट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश अवार्डी चेन्नई आफ्टर द कट ऑफ डेट। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शैल बी डन बाय द कंबैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश अवार्डी चेन्नई। तो इसमें देखिए प्रोसीजर जो दिया हुआ है फ्रेंड आपका किस बेस पे सिलेक्शन होगा वो आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें देखिए एप्लीकेशन जो होगा ऑनलाइन मोड में ही आपको होगा। फॉर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन नेशनल वेब पोर्टल एंड हैविंग लॉगिन डिटेल। तो देख सकते हैं ये दिया है कौन कौन से स्टेप दिया हुआ है कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये कुछ स्टेप दिया है जिसे फॉलो करके आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है mhrd.net.gov.in। यहाँ पे विजिट करके इसके और क्लिक एनरोल पर जाइए। कंप्लीट द एनरोलमेंट एंड सबमिट प्लीज वेट एट लीस्ट टू डेज फॉर एनरोलमेंट वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल आफ्टर दिस स्टूडेंट कैन प्रोसीड। सेकेंड स्टेप दिया है लॉग इन कीजिए, क्लिक एस्टैब्लिश रिक्वेस्ट मीनू, क्लिक फाइंड एस्टैब्लिश्ड, अपलोड रिज्यूम, चूज एस्टैब्लिशमेंट नेम। तो ये दिया हुआ है इसे फॉलो करके आप इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। और दिया हुआ है इसमें ट्रैवल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, बोर्डिंग एंड लोडिंग दिया हुआ है ये दिया है। और देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 नवंबर 2022 से हो रहा है और लास्ट डेट फॉर इनरोलिंग इन नेट्स पोर्टल यानी कि 25 नवंबर तक इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग कंबाइंड व्हीकल एंड रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो इसमें आपको 5 दिसंबर 2022 तक इसमें लास्ट डेट दिया हुआ है अप्लाइंग का। और देखिए हैंडिंग ओवर द रैंक ऑफ CVRDE अवार्डी चेन्नई फॉर फर्दर प्रोसेस 10 दिसंबर 2022 तक है। तो ये था फ्रेंड इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। और फ्रेंड इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया है www.mhrdnats.gov.in। आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं या इसकी एक अदर ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है drdo.gov.in। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।